नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे कंप्यूटर सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। तो इस तरह के हम लोग मॉक टेस्ट आपके कंप्यूटर जीके के 19 देख चुके हैं। ये आपका 20वां टेस्ट है, ठीक। तो एक जानकारी दे दें आप सभी को कि अगर आप लोगों ने कंप्यूटर सामान्य ज्ञान को डिटेल यानी कि विस्तार के साथ नहीं पढ़ा है तो पहले उसे पढ़ लें, ठीक है। क्योंकि बिना डिटेल के पढ़े आप मुश्किल है कि कोई पेपर निकाल सकें। इसके लिए हमारी तरफ से भी आपका कंप्यूटर सामान्य ज्ञान पूरा कवर किया गया है। इतना कह सकता हूँ कि अगर आप लोग उन सभी चैप्टरों को विस्तार से पढ़ लेते हैं और इन मॉक टेस्ट को लगा लेते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चंस गलत नहीं होगा, फिर चाहे आपका लिखित रूम में हो फिर चाहे आपका ऑब्जेक्टिव रूम हो। तो कंप्लीट कंप्यूटर क्लासेस के नाम से जो प्लेलिस्ट सूची है उसे कवर करना है आपको, ठीक है। बहुत ही साधारण शब्दों में है तो वहाँ जाकर देखते रहें आप लोग, कवर करें। तो चलिए हम लोग बात करते हैं 20वें टेस्ट का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, पेज पर तथ्यों की भौतिक व्यवस्था को डॉक्यूमेंट का कहते हैं, फॉर्मेट। क्या कहते हैं? फॉर्मेट कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉर्मेट कहते हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर एक में क्या होगा आपका? बी। क्वेश्चन नंबर एक में आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। फिर है आपका क्वेश्चन दूसरा, इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का एक साथ समूह बना दिया जाए तो निम्न को निरूपित करता है, क्या है? इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का एक साथ समूह बना दिया जाए तो निम्न को निरूपित करता है, कंप्यूटर सिस्टम। दूसरे में आपका डी होगा, दूसरे में डी ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका। उसके बाद क्वेश्चन है आपका तीसरा, अधिकांश वेबसाइटों में मेन पेज होता है जो वेबसाइट के बाकी पेजों के लिए द्वार का काम करता है, होम पेज। ये क्वेश्चंस कई बार पूछ लिया कि जो साइट पर वेबसाइट पर हमारे सामने फर्स्ट पेज होता है, मेन पेज होता है, उसे क्या कहते हैं? तो होम पेज, याद रखना। तीसरे में क्या होगा आपका? बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन है हमारा चार, कंप्यूटर फाइलों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? क्या पूछ रहा है? सत्य नहीं है यानी कि असत्य है। वे एक स्टोरेज माध्यम से सेव किया गया डेटा संग्रह होता है, ये आपका सही है। प्रत्येक फाइल का एक नाम होता है, ये भी सही है। फाइल की विषय वस्तु को इंगित करने के लिए प्रयोक्ता फाइल एक्सटेंशन देता है, ये आपका गलत है। फाइलों में सामान्यतः डेटा होता है, ये भी आपका सही है। तो क्वेश्चन नंबर चार में आपका सी ऑप्शन होगा गलत। क्या होगा? सी ऑप्शन चार का। उसके बाद क्वेश्चन है आपका पांच, एक बॉक्स है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होता है, सिस्टम यूनिट। पांच में डी होगा, क्वेश्चन नंबर पांच में क्या होगा? डी ऑप्शन। क्वेश्चन है आपका छठवां, डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर पाया जाता है? डिजिटल जो आपकी घड़ी है इसमें किस प्रकार का कंप्यूटर पाया जाता है? इनमें से कोई नहीं। एक मिनट रुकिए, पता है इसमें डिजिटल घड़ी में आपका एम्बेडेड कंप्यूटर पाया जाता है। मैंने देखिए जो भी क्वेश्चंस होता है उसका आंसर मेरी तरफ से 100% मेरी तरफ से कोशिश रहती है कि आपको सही बताया जाए, इसलिए इसमें देखिए इनमें से कोई नहीं था यानी कि ऑप्शन नहीं था। मुझे पता था कि आपका एम्बेडेड कंप्यूटर है लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि आपका क्लियर कर दूँ, आपको सही आंसर बताया जाए। तो डिजिटल घड़ी में आपका
एम्बेडेड कंप्यूटर होता है, ठीक है। अगर ऑप्शन में अगर आता है तो उसे टिक लगाइए, अगर नहीं आता है तो आप अपने हिसाब से उसमें गलत लगा सकते हैं, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा सात, किसी विंडो में कितने स्क्रॉल बार हो सकते हैं, किसी विंडो में कितने स्क्रॉल बार हो सकते हैं, दो, सात में क्या होगा क्वेश्चन में, बी ऑप्शन। क्वेश्चन है आठ, टास्क बार पर स्थित है, टास्क बार पर स्थित है स्क्रीन के तल, आठ में आपका बी होगा, आठ में क्या होगा, बी ऑप्शन। फिर क्वेश्चन है आपका नौवा, आपके सामने क्वेश्चन नंबर नौवा, एक यूनिट के रूप में सेव किया गया सूचना का संग्रह है फाइल, नौ में क्या होगा आपका, बी। क्वेश्चन है आपका दस, प्रिंटर एवं मॉनिटर जैसे पेरिफेरल उपकरणों को माना जाता है, हार्डवेयर, क्या दस में क्या होगा आपका, ए ऑप्शन, हार्डवेयर, वेयर। क्वेश्चन है हमारा ग्यारह, क्या है क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। याद रखिए जो भी इस तरह के संक्षेप नाम होते हैं इनका फुल फॉर्म विस्तार आखिर ये होते क्या हैं, इनके बारे में आपकी अलग से ही क्लास ली गई है, उन्हीं लेक्चरों में पढ़ी हुई है वहीं, तो इन्हीं से आपके इस तरह के क्वेश्चंस भी अधिकतर पूछे जाते हैं, तो वहाँ जाकर आप देख लें अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन हमारा बारह, निम्न में से कौन सा बिल्ट इन फंक्शन है, बारे में क्या होगा आपका, सी ओ एस, क्या होगा बारे में, ए ऑप्शन। क्वेश्चन हमारा तेरह, नई डायरेक्टरी बनाने के लिए कौन सा आदेश दिया जाता है, नई डायरेक्टरी बनाने के लिए कौन सा आदेश दिया जाता है, एमडी। तेरह में आपका बी होगा। क्वेश्चन है चौदह, सामान्यतः रिसाइकिल बिन तक पर रखे गए आइकन के जरिए जाते हैं, डेस्कटॉप पर, इसमें क्या होता है, रिसाइकिल बिन में आपको सब कुछ समझाया गया है, उन्हें जाकर एक बार देख जरूर लें, पढ़ें ना पढ़ें उसका मतलब नहीं है, लेकिन वहाँ जाकर देख लें, अगर अच्छा लगे तो ही पढ़ें वरना छोड़ दें। रिसाइकिल बिन का काम क्या होता है कि जब हम कंप्यूटर की किसी फाइल से अपना डेटा हटाते हैं तो वो आपका जाकर रिसाइकिल बिन में पहुंच जाता है, अगर आप यहाँ से भी डिलीट कर देते हैं तो पूरी तरह से कंप्यूटर से ख़त्म हो जाता है वो डेटा, ठीक है। और अगर रिसाइकिल बिन में है तब तक डाटा, तब तक आप उसे कवर कर सकते हैं, यानी कि पुनः प्राप्त कर सकते हैं, जैसे ही आप लोग रिसाइकिल बिन से हटाएंगे वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, फिर उसे दोबारा हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं कंप्यूटर में, ठीक है। तो इसमें आपका ए होगा। अगर बात करें पंद्रहवें क्वेश्चन की हम लोग, तो प्रोसेसिंग कार्य किस प्रकार करना है ऐसा कंप्यूटर को बताने वाले इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम कहते हैं। पंद्रह में आपका ए ऑप्शन सही है। अगर सोलह क्वेश्चन आपका देखें, तो रैम को कंप्यूटर का प्रोसेसर कहा जाता है। इनमें से कोई नहीं। सोलह में क्या होगा, ई। क्वेश्चन है आपका सत्रह, सी बेसिक कोबोल और जावा भाषाओं के उदाहरण हैं, कंप्यूटर भाषाओं के, ये क्या होती हैं, सी बेसिक कोबोल जावा, ये सभी पढ़ाया गया है आपका, ठीक है, तो ये सभी आपकी कंप्यूटर भाषाओं के उदाहरण हैं। सत्रह में आपका बी होगा। क्वेश्चन है हमारा अठारह, कंप्यूटर का वह एरिया जो प्रोसेस होने वाले डेटा
अस्थायी रूप से होल्ड करता है। मेमोरी 18 में आपका बी होगा। 19 एक माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर डिवाइस है, पर्सनल कंप्यूटर। 19 में आपका ए है। क्वेश्चन है 20 इन्फॉर्मेशन इनपुट करने के लिए आप कीबोर्ड या फिर माउस जैसे एक का उपकरण करते हैं का उपयोग करते हैं इनपुट डिवाइस का। अब यहाँ आप लोगों को नहीं बता पाएंगे कि इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस क्या होता है, स्टोरेज डिवाइस क्या होता है, प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होता है, वहाँ जाकर देख लें आप लोग, ठीक है, बड़ी डिटेल के साथ पढ़ाया गया है। कभी आप लोग वन लाइनर में तो रटा ही मत करिए क्वेश्चंस। अगर आपके पास टाइम है काफ़ी तो आप लोग डिटेल के साथ पढ़ लिया करिएगा, क्योंकि क्या होता है कि अगर कोई भी क्वेश्चंस घुमा फिरा के आता है तो उसे सॉल्व करने की स्थिति में आप लोग पहुंच जाते हैं जब आप डिटेल से किसी चीज़ को पढ़ते हैं। अब आपसे आ जाए इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड और माउस आपका इनपुट डिवाइस है, आपको पता ही नहीं है कि इनपुट डिवाइस आखिर होता क्या है, तो क्या समझेंगे? अगर आपको पता है इनपुट डिवाइस क्या होता है तो फिर कोई भी उदाहरण आता है तो आप उसे सॉल्व करने की स्थिति में होंगे, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा 21। क्या है क्वेश्चन 21? कंप्यूटर तंत्र में नियमानकों से मुक्त प्रोग्राम की भाषा कहलाती है, इसे कहते हैं असेंबली भाषा। 21 में आपका डी होगा। क्वेश्चन है 22। निम्न में से कौन एक उच्च स्तरीय भाषा व्यावसायिक संक्रियाओं में उपयोग नहीं की जाती है? स्पीड सीट। 22 में क्या होगा आपका? सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है हमारा 23। सूचना तंत्र का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवयव निम्न में से किसे माना जाता है? सूचना तंत्र का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवयव निम्न में से किसे माना जाता है? मानव को। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या होगा आपका? बी। क्वेश्चन है हमारा 24। अधिकांश भारतीय सुपर मिनी कंप्यूटर द्वारा किस ऑपरेटिंग प्रणाली को अपनाया गया? यूनिक्स को। 24 में क्या होगा आपका? डी ऑप्शन बिल्कुल सही। क्वेश्चन है हमारा 25। कंप्यूटर में सूचना के प्रत्येक कैरेक्टर के लिए कितने बिटों का इस्तेमाल होता है? 8 बिट का। 25 में आपका बी होगा। 25 में क्या होगा? बी ऑप्शन। क्वेश्चन है हमारा 26। दो असमान लैन नेटवर्क को जोड़ने के लिए किस उपकरण का प्रयोग होता है? गेटवे का। 26 में आपका सी होगा। क्वेश्चन है हमारा 27। डेटा परिवर्तन एवं कोड अनुवाद के लिए कौन सी लेयर जिम्मेदार है? प्रेजेंटेशन लेयर। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या होगा? ए ऑप्शन। क्वेश्चन है आपका 28। लेजर किरणों की मदद से मुद्रण करने वाला प्रिंटर क्या कहलाता है? लेजर प्रिंटर। 28 में आपका ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है हमारा 29। क्या है क्वेश्चन? इंटेल कंपनी का मुख्य उत्पाद है? हार्ड डिस्क, BCDS, मॉनिटर्स, सॉफ्टवेयर, इनमें से कोई नहीं है। 29 में क्या होगा आपका? ई ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 30। सैटेलाइट कनेक्शन के लिए एंटीना को
कहते हैं, मॉडेम, टर्मिनल, बीसेट, डीटीए, इनमें से कोई नहीं। 23 में क्या होगा आपका, ई ऑप्शन। क्वेश्चन है हमारा 31, क्या है क्वेश्चन, ईमेल अटैचमेंट क्या होती है, ईमेल अटैचमेंट क्या होती है। ईमेल संदेश के साथ भेजा गया किसी दूसरे प्रोग्राम से एक पृथक डॉक्यूमेंट, 31 में क्या होगा आपका, बी, 31 में आपका बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है हमारा 32, निम्नलिखित में से किन्हें ईमेल के लाभ माना जाता है, सुविधा, डिलीवरी की स्पीड, जनरेलिटी और रिलायबिलिटी, इसमें क्या होगा, ए ऑप्शन। 32 में आपका ए होगा। क्वेश्चन है हमारा 33, क्या है, ई कॉमर्स से कंपनियां इंटरनेट पर बिजनेस कर सकती हैं, तैंतीस में आपका बी ऑप्शन सही हो। क्वेश्चन है आपका 34, डिजिटल सिग्नेचर संदेश के लिए नहीं दे पाते, कॉन्फिडेंशियलिटी, 34 में आपका डी होगा। क्वेश्चन है 35, ट्रिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण या शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है, नेटवर्क, सर्वर, 35 में आपका सी होगा, 35 में सी। क्वेश्चन है हमारा 36, वर्ड प्रोसेसिंग में तीसरे पैराग्राफ को पांचवें पैराग्राफ के बाद ले जाने का इफिशियंट तरीका है, कट एंड पेस्ट, 36 में आपका डी होगा, 36 में डी ऑप्शन। क्वेश्चन है हमारा 37, क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कंट्रोल यूनिट का फंक्शन कौन सा नहीं है, डायरेक्ट ऑपरेशन नहीं है इसमें, 37 में आपका डी ऑप्शन होगा। 38 क्वेश्चन है, बराबर सब कोष्टक B1:B8 का एक उदाहरण है, फॉर्मूला का, 38 में आपका बी होगा। क्वेश्चन है हमारा 39, यदि कोई उपयोगकर्ता CPU में उपलब्ध जानकारी को तुरंत प्राप्त करना चाहता है तो इसे में स्टोर किया जाना चाहिए, रैम में, 39 में आपका डी होगा। क्वेश्चन है हमारा 40, स्प्रेड शीट में एक नंबर होता है जिसे आप कैलकुलेशन में यूज करते हैं, वैल्यू, 40 में आपका डी। क्वेश्चन है हमारा 41, क्या है, यद्यपि एक ही समय में कई प्रोग्राम खोले जा सकते हैं तथापि केवल प्रोग्राम एक्टिव हो सकते हैं, खोले तो जा सकते हैं यानी कई, लेकिन इनमें एक्टिव कितना होता है, एक प्रोग्राम, 41 में आपका डी होगा। क्वेश्चन है हमारा 42, क्या है, डिजिटल फोटो और स्कैंड इमेजेस को .bmp, .png, .jpg, .tip तथा .gif जैसे एक्सटेंशंस के साथ
ग्राफिक्स के रूम में टिपिकल स्टोर किया जाता है। बिट मैप 42 में क्या होगा आपका? बी बिट मैप। क्वेश्चन है आपका 43। एक प्रकार के सस्ते कैमरे होते हैं जो कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं और उनका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग और लाइव वेब ब्रॉडकास्ट के लिए होता है। वेब कैम्स जो आप कंप्यूटर की स्क्रीन के जस्ट ऊपर लगा होता है, इसे वेब कैम्स कहते हैं। 43 में आपका ए होगा। क्वेश्चन है हमारा 44। वाई नाउ पे नाउ का प्रयोग सामान्यता के लिए किया जाता है। डेबिट कार्ड 44 में आपका ई होगा। क्वेश्चन है 45। चैट क्या है जो आप करते हैं? चैट क्या है? टाइप्ड कन्वर्सन सेशन को कंप्यूटर पर होती है। 45 में आपका बी होगा। क्वेश्चन है हमारा 46 क्या है? स्क्रीन का आयताकार चित्र जो प्रोग्राम डेटा और इन्फॉर्मेशन प्रदर्शित करता है वह निम्नलिखित है। विंडो 46 में आपका डी होगा। क्वेश्चन है 47। डिजिटल बैंकिंग के माध्यम से किया जाता है। मोबाइल फोन, इंटरनेट, टेलीफोन, ये सभी। 47 में क्या होगा आपका? डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है 48। एक प्रेजेंटेशन में स्लाइड को प्रस्तुत करने के लिए प्रयुक्त विशेष इफेक्ट को कहते हैं। ट्रांजिशन 48 में आपका सी होगा। 48 में क्या होगा? सी ऑप्शन। क्वेश्चन है हमारा 49। कंप्यूटर सिग्नलों के रूम में डेटा भेजते और प्राप्त करते हैं। डिजिटल 49 में आपका बी होगा। क्वेश्चन है 50। गोपनीय कोड जो कुछ प्रोग्रामों में प्रविष्ट प्रतिबंधित करता है। पासवर्ड 50 में क्या है? ए ऑप्शन। तो चलिए, ये हो गए आपके 20वां टेस्ट। अगली क्लास में हम लोग 21वें टेस्ट के बारे में बात करेंगे आपके।